भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार प्रशांत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोनीत होने उपरांत प्रवीण कुमार प्रशांत को पहली बार दरभंगा पहुंचने के क्रम में सैकड़ों छात्र लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सोबन चौक से फूल माला एवं मोटरसाइकिल जुलूस के साथ भव्य स्वागत किया गया। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए छात्र राजद छोड़कर लोजपा के दामन थामने के बाद लोजपा के छात्र विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर श्री प्रवीण कुमार प्रशांत ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, लोजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह समस्तीपुर सांसद प्रिंस राज, छात्र लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आकाश यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान देने के लिए मैं दिल से अपने नेता को धन्यवाद करता हूं। मैं पूरी तरह से आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों से प्रभावित हूं और उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि गरीबों का मदद करने वाले हैं, एक युवा सांसद हैं, लगातार क्षेत्र में अपनी समाज सेवा के लिए जाने जाते हैं, कर्मठ हैं। निश्चित रूप से कहने के इसमें हमें साजिश की बुआ रही है, उनके छवि को धूमिल करने का काम किया जा रहा है विरोधियों के द्वारा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद बनाया है, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जब तक हम छात्र राष्ट्रीय जनता दल में थे, हमारे नेता आदरणीय तेज प्रताप यादव भैया थे। आज भी हम तेज प्रताप यादव भैया का सम्मान करते हैं, हमेशा उनका आशीर्वाद मिला है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर राष्ट्रीय जनता दल में कोई नेता है, आदरणीय हमारे तेज प्रताप यादव हैं, जिन्होंने लगातार छोटे से छोटे कार्यकर्ता के आवाज को बुलंद करने का, उनके हक और उनके सम्मान के लड़ने का काम किया। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी का टाइम हुआ करते थे, कहीं न कहीं लालू जी को जो विचारधारा जो राष्ट्रीय जनता दल की थी, उस विचारधारा से आज की राष्ट्रीय जनता दल मैच नहीं करती है। जनशक्ति पर जनशक्ति पार्टी के छात्र संगठन जनशक्ति युवा परिषद को अपना प्रताप यादव को सहयोग देगी? देखिए, सहयोग की बात नहीं, हमारी संगठन अलग है। हमारी प्राथमिकता सिर्फ एक ही है कि माननीय हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो विचार है कि जो पिछड़े वर्ग का, जो पिछड़े समाज का जो युवा है, वो देश का प्रतिनिधित्व करे, राज्य का प्रतिनिधित्व करे, जो उनका विचारधारा है, हम चाहते हैं कि देश के तमाम, चाहे वो डी हो, जेएनयू हो, देश के तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ के हम स्कॉलर्स को वहाँ चाहते हैं कि हमारे जो पिछड़े वर्ग है उनको एकीकृत करना और पिछड़े समाज को उठाना और मजबूती के साथ लोक जनशक्ति, जिस बंगले को हम लाया है, हम बंगले को सजाने का काम करेंगे। बात बाकी कौन संगठन आती है, किसको क्या प्राथमिकता है, हमारी नहीं, हमारी जो पार्टी ने जिम्मेवारी दिया, हम बंगला को सजाने का काम करेंगे। आपने कहा कि लालू जी के समय की आरजेडी नहीं रही, तो इसमें क्या लगता है, इसका इसमें दोष कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का भी है, जो तेज प्रताप जी को एकदम दरकिनार करके रखे हुए थे? देखिए, हमारी इतनी हैसियत नहीं, हम बहुत एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमारी हैसियत नहीं है कि हम तेजस्वी यादव भैया पर कुछ करें, लेकिन जनता जानती है, वो अगर चाहते तो बहुत कुछ सुधर सकता था, बहुत कुछ संभाल सकते थे, लेकिन हमारे भैया हैं, आज भी हम उनको अपना सम्मान करते हैं, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो चाहते तो बहुत कुछ सुधर सकता था, जो आज आप लोग के सामने जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति नहीं होती आज। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज पेपर दरभंगा।